तो आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों ने तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है, जहां पर आईपीएल 2021 की नीलामी में सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने, सभी 8 टीमों ने कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदकर अपना अपना पूरा कंप्लीट टीम स्क्वाड तैयार कर लिया है। और अब आईपीएल 2021 के लिए सभी 8 टीमों के ओपनर बल्लेबाज भी बदल चुके पूरी तरह से। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले आईपीएल 2021 के लिए सभी 8 टीमों के नए ओपनर बल्लेबाज के बारे में, जो इस बार अपनी अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं सभी 8 टीमों के ओपनर्स बल्लेबाज के बारे में, जो इस बार अपनी अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो बात करते हैं पहली टीम की, तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी टीम से एरन फिंच को आईपीएल 2021 से पहले ही निकाल दिया था। और इस बार आईपीएल की नीलामी में एक नए ओपनर बल्लेबाज को खरीदकर टीम में शामिल किया है। नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि एक भारतीय युवा ओपनर बल्लेबाज है, साथ ही विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो इस बार आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2021 में ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले देवदत्त पड्डीकल और जोशुआ फिलिप, ये दोनों ही काफी जबरदस्त यंग ओपनर बल्लेबाज हैं। जहां पर जोशुआ फिलिप को पिछले साल ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन इस बार इन्हें काफी ज्यादा मौका मिलने वाला है। इससे पहले वो बिग बैश लीग में भी ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के लिस्ट में थे। तो इस बार आरसीबी की तरफ से जोशुआ फिलिप और देवदत्त पड्डीकल, ये दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग की बल्लेबाजी करेंगे, ये 100% कंफर्म है। हालांकि बैकअप के तौर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन होंगे। तो वहीं दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इस बार आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डुप्लेसिस, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। बैकअप के तौर पर इनके पास हैं जितेंद्र तो पुजारा, जो कि इस बार आईपीएल की नीलामी से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पुजारा को खरीदकर टीम में शामिल किया है। तो ये बैकअप ओपनर हैं। हालांकि इसके अलावा रोबिन उथप्पा भी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी करते हैं। तो वहीं नंबर 3 पर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जो कि एक बार फिर से हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर और जोनी बेयरस्टो करने वाले ओपनिंग की बल्लेबाजी, ये दोनों ही काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हालांकि बैकअप के तौर पर विद्यमान सहाय इनके पास हैं। तो वहीं बात करते हैं चौथी टीम की, तो चौथी टीम है पंजाब किंग्स, जो कि इस बार पंजाब किंग्स ने आईपीएल की नीलामी से डेविड मिलान को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। डेविड मिलान के पंजाब किंग्स में होने से काफी फायदा है, क्योंकि डेविड मिलान इस टाइम पर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और ये ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी भी करते हैं। तो बात करते हैं पंजाब किंग्स के ओपनर्स बल्लेबाज के बारे में, जो इस बार पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो वो हैं केएल राहुल, इनके जबरदस्त कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि मयंक अग्रवाल, जो कि अगर मयंक अग्रवाल पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो ये दोनों ही बल्लेबाज 100% कंफर्म है कि ओपनिंग की बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन अगर मयंक अग्रवाल फुल ऑफ रहते हैं इस बार, तो फिर केएल राहुल और क्रिस गेल करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। और अगर क्रिस गेल भी फुल ऑफ रहते हैं, तो फिर केएल राहुल और डेविड मिलान करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ही ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले हैं। बैकअप के तौर पर फिलहाल क्रिस गेल और डेविड मिलान होंगे। तो वहीं पांचवी टीम है मुंबई इंडियंस, पिछले साल की चैंपियन, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से एक बार फिर से आईपीएल 2021 में रोहित शर्मा इनके कप्तान और क्विंटन डिकॉक इनके विकेट कीपर बैट्समैन, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। बैकअप के तौर पर इनके पास हैं क्रिस लिन, इसके अलावा ईशान किशन भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपनिंग की बल्लेबाजी भी करते हैं और साथ ही मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी करते हैं। तो काम आने पर ईशान किशन से भी ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाई जा सकती है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ही करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो वही बात करते हैं छठी टीम की, तो छठी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां पर केकेआर की पिछले साल की सबसे बड़ी समस्या इनके ओपनर बल्लेबाज थे। तो इस बार आईपीएल 2021 में केकेआर की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल, इनके युवा ओपनर बल्लेबाज, जबकि नंबर 2 पर होंगे न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन टीम साइफर्ट, जो कि टीम साइफर्ट है एक जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं। तो ये दोनों ही बल्लेबाज स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट करने वाले ओपनिंग की बल्लेबाजी। लेकिन अगर टीम साइफर्ट फुल ऑफ होते हैं, तो फिर बैकअप के तौर पर केकेआर के पास राहुल त्रिपाठी और सुनील नारायण मौजूद हैं। अब बात करते हैं सातवीं टीम की, तो वो है दिल्ली कैपिटल्स, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन पिछले साल काफी शानदार और जबरदस्त रहा था। इस टीम की मात्र एक ही समस्या थी, वो थे इनके ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शाह, जहां पृथ्वी शाह लगातार फ्लॉप हो रहे थे। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पिछले साल अजिंक्य रहाणे से भी ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाई पृथ्वी शाह के बाद, तो वहीं मार्कस स्टोनिस से भी ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाई थी। लेकिन इस बार बात करें आईपीएल 2021 के लिए, तो इस बार भी एक बार फिर से शिखर धवन और पृथ्वी शाह स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले। लेकिन अगर इस बार भी पृथ्वी शाह फ्लॉप रहते हैं, तो फिर शिखर धवन के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग की बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस भी बैकअप के तौर पर मौजूद है।
अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी टीम की, तो वह है राजस्थान रॉयल्स, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की भी पिछले साल की सबसे बड़े समस्या उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ही थे, जो कि इस बार आईपीएल की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदकर अपना टीम काफी बैलेंस काफी मजबूत टीम बना लिया है। तो बात करते हैं इनके ओपनिंग बल्लेबाज की, तो इस बार आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से करने वाले ओपनिंग के बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल इनके युवा ओपनर बल्लेबाज और जोश बटलर इंग्लैंड के जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग के बल्लेबाजी आईपीएल 2021 में। बैकअप के तौर पर इनके पास लियाम लिविंगस्टोन है, इसके अलावा बेन स्टोक भी हैं, जो कि काम आने पर ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले साल हमने देखा था। तो गाइस ये सभी आठ टीमों के ओपनर्स बल्लेबाज आईपीएल 2021 के लिए आपके हिसाब से किस टीम की सलामी जोड़ी सबसे बेहतरीन सबसे जबरदस्त है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।